ये निकेश मागिया सर 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 आगे आगे बस सर बस सर यहाँ पे सर सर होल्ड होल्ड सर यहाँ पे सर सर यहाँ पे सेंटर हाँ बस सर फोटो आगे आगे थोड़ा सर अक्षय सर एक सोलो 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 सर सोलो सोलो सर इकडे अनुपम सर इकडे सर अनुपम जी सामने अरे रुको इधर ही अक्षय खन्ना है पीछे हाँ समझ ला अक्षय खन्ना आ गया अक्षय खन्ना आ गया खन्ना बोल रहा शांति रख कुछ भी मत बोलो यार वीडियो चालू है अरे अरे सर थोड़ा आगे सर सर थोड़ा वॉइस से आगे आ जाओ थैंक यू सर बस सर एक सोलो करते ना अक्षय सर एक सोलो सोलो अभी चलो थोड़ा पीछे ना थोड़ा पीछे थोड़ा पे पाटे ना थोड़ा पाटे ना थोड़ा सा पाटे Good afternoon, ladies and gentlemen. Wonderful. All right. My name is Suren, and you know,
yes, this is the launch of a trailer. Yes, there's a movie which is coming out. But I just want to go back to a time when I was in school and I just passed out of school and I was getting into college. And at that point of time, you know, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट उतना नहीं होता है टिल समथिंग हैपेंस इन द न्यूज़पेपर्स एंड यू लाइक हाउ डिड दिस हैपन दिस वाज कंप्लीटली स्टनिंग एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री बहुत सारे शोज में देखता रहता हूँ एंड हमेशा मैंने सोचा है दैट जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस दैट वर मेड एंड इन टर्म्स ऑफ मेजर लैंडमार्क्स मैं हमेशा सोचता था उस टाइम पे जो लोग डिसाइड कर रहे थे व्हाट वाज गोइंग ऑन इन देयर माइंड I have had the privilege of having seen the trailer, ladies and gentlemen. But you're about to lay your eyes on it, and I promise you, बहुत सारे सवाल, a lot of riveting things that you're about to witness on screen. But before that, I would definitely like to extend a very warm welcome to the director who's made this possible, Vijay Ratnakar Gutte. A big round of applause for him. Two absolutely wonderful gentlemen who you're going to see on screen very soon, Mr. Anupam Kher and Mr. Akshay Khanna. And the presenter of this film, Dr. Jayantilal Gada of PEN. Now, इसको अगर हम नीचे कर सकते हैं so that the entire media fraternity can now watch the trailer of the accidental Prime Minister. Ladies and gentlemen, if you तालियां बजाई थी one by one, if I could invite these gentlemen on stage. Firstly, debut director, what a film, ladies and gentlemen, Vijay Ratnakar Gutte. मुबारक आपकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी डेब्यू फिल्म है बहुत सारे सवाल हैं विजय इफ यू कुड टेक अ सीट ऑफ कोर्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन बट एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर्स एज वेल लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर अनुपम खेर एंड मिस्टर अक्षय खन्ना सो इफ यू कुड प्लीज टेक अ सीट अक्षय एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एवर स्माइलिंग ऑलवेज वंडरफुल टू मीट हिम The presenter of the film, Dr. Jayantilal Gada of PEN. Could we have microphones for our guests? Yes. All right, Vijay, I'll start with you only. सबसे पहले मैंने आपको invite किया. ये आपकी पहली film है, your debut film, and जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है हम देख चुके हैं ट्रेलर इट्स अ बोल्ड पॉलिटिकल सब्जेक्ट वेयर डिड द आइडिया ओरिजिनेट और वो भी बिफोर दैट लेट मी कंग्रेचुलेट यू विजय जी ग्रेट जॉब डन यू आर अ यंग बॉय थैंक यू सर फैंटास्टिक इट्स वेरी गुड रिलैक्स वन वेल डन विजय नर्व्स एनी नर्व्स राइट नाउ यार रियली रियली नर्वस यार आई वुड प्रेफर यू टॉक बट एक सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि ये आइडिया जन्मा कहाँ से कि आप इस किताब को अडेप्ट करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनटू द फिल्म जी इसमें एक्चुअली मेरा कोई हाथ नहीं है ये हमारे जो प्रोड्यूसर है सुनील बोरा जी उन्होंने 2014 में ही इस बुक के राइट्स ले लिए थे और उन्होंने एक्चुअली जब मुझे ये बुक ऑफर की द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम इज दैट आई वांट टू मीट द राइटर ऑफ द बुक मिस्टर संजय बारू Luckily, he was supposed to be here, but something happened, I think, at last moment. So I met him for 7 days at a stretch. I spoke to him and I started feeling I was a part of PMO. And in a way, I loved that feeling. So that's how it generated and it started interesting a lot of people around me and they were like pretty happy that I'm selecting this subject. So yeah. Right. अक्षय ही जस्ट मेंशनड संजय बारू जी जो जिन्होंने ये किताब जो है वो लिखी हुई है यू प्ले हिम ऑन स्क्रीन अब किताब में जो लिखा हुआ है ऑलवेज द स्क्रिप्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू बट द एक्टर इज द वन हु ब्रिंग्स इट टू लाइफ सो माय क्वेश्चन इज डिड विजय अप्रोच यू फॉर द रोल एंड डिड यू इमीडिएटली से यस बिकॉज द रोल वॉज सो मीटी देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस ओके बट या आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म बट Vijay was very clear that he didn't want me to look like Sanjay. So, yeah. So he said every other character I can't play around with. Yours is the only one I can play around with. So he had great fun in, you know, creating the look for Sanjay, and he was very clear with his vision. But it's from the beginning I always thought it was a very important film,
and the role was superb. Everything was superb. It was a no-brainer. And now we come. Sir, firstly, congratulations. Because ek baat jo bilkul, the moment I saw the trailer was, you've got the voice spot on. But it's a tough role because you're playing one of the most iconic prime ministers that we have had in a very turbulent kind of time when we were not expecting the party to come into power at that point of time. I remember there was a different wave at that point of time. But when you were approached for the subject, knowing that it's Dr. Manmohan Singh's role. Well, for about 1.5 years back, my friend Ashok Pandit called me up and he kept calling me up. He said, there's a film being made on accidental prime minister. And of course, everybody had heard about the book, about the controversy behind the book, etc., etc. So my first reaction was that I should not be part of this film because for so many reasons. One is that I was thinking that this political film will be a political film, etc. I don't know what will happen. And the other thing was then that it is not easy to portray Dr. Manmohan Singh because he's a current political personality. It's not in 1940s or 60s or black and white ke photograph dekhte the. And also, so then Vijay and Sunil, Mr. Bohra came to meet me and they said, "Aap sochiye iske baare mein." My first reaction for 1 or 2 months was that I don't want to be part of it. But then I was watching TV and I saw Dr. Manmohan Singh walking from one place to another place. And I, in my mind, the actor in me sort of said that, let me see if I can walk like him. I was a disaster. In my sitting room, in my house, I was a disaster. And that challenged me. In fact, it was as simple as that. Because, and I rehearsed for about 30 minutes, 45 minutes. I could not get it right. So then I called them. I said, let me read the script. And I was very fascinated by the script. After you couldn't get the walk right, you said... No, I did not get that right. Because then I said, now it is challenging me as an actor. And everything is very difficult about Dr. Manmohan Singh. Everything. Discoordinated, very monotonous voice, and yet there has to be variations. And then I said yes to them, and I said, we will need time. And I took about 6 to 7 months to prepare this role. I must have seen at least 100 hours of footage. But the most difficult thing was the voice part of it, yeah. Because it's a typical particular voice. But then I said that kaam difficult na ho to usko karne ka kya fayda. And after all those work, and etc., we were very also lucky that we did the first schedule in England of 40 days. We were in a secluded place, there was nobody else. We put the room outside my room. It was written Prime Minister because I wanted to be. I behaved like Dr. Manmohan Singh. Everybody had to. I used to get ready. It used to take me 1.5 hours. And it is not one of the most difficult. It is the most difficult role I have done in my life. Wow. Because Dr. Manmohan Singh is known by everybody. We see him, everybody. Even till today, he is so active. He is always there. He's more vocal now than he was in 2014. So you have to be a little more careful. And dhajjiyan udane mein 2 minute lagte hain. But I think we have made this film has to be perceived as a film. Because if this film should not sort of get into a controversy about whosoever is the background, etc., etc., is film ko banane ke liye gurda chahiye. And I must say, Dr. Gada mein hai, aur Sunil Bohra mein hai, and our director mein hai, and the rest of the cast who've done really great, great work in this. And this is just a tip of the iceberg in terms of the brilliance of the film. Right. I know Akshay feels very skeptical when I say brilliant film, etc., etc. Why? Let the audience decide. Okay. Aar, hame pata na yaar. 515 films karne ke baad pata lagta hai ki 515. Please, a big round of applause for that number. Press wale taali nahi maarte, kyun bol rahe hain unko taali maarne? Unko bolne pe taali bajegi. Jayantilal ji, Anupam sir mentioned a word called challenging, and I've known you for a while now. I've had the pleasure of having spoken to you, sir. Aapne jo film mein present karne ki socha hai, aapne kahani ek thi,
and now this. So what do you look at when you decide ki ye film jo hai we want to present? Are you looking at the cast? Are you looking at the script? Or are you looking at the overall product? Because wo decision stage pe hum log film dekhte hain, trailer jab aata hai. Lekin aap to script padh ke logon ke bare mein jaan ke. Main ye bolunga pehle to Sunil ke father mere dost hain. Sunil Bora ke, Surendra Bora. Aur maine inke sath ek 99 mein kuch financial mis understanding hui thi. To 2018 tak koi kaam nahi kiya maine inke sath. तो सुनील ने मेरे को बहुत कन्विंस किया कि एटलीस्ट फिल्म देखें और मैंने बोला अच्छा ठीक है मन बना के जाते हैं कि बाद में देखेंगे क्या करना है. विजय जी को जब मिला तो इनका जो प्यार था फिल्म बनाने का तो मैं सोचा 10 मिनट में मैं निकल जाऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा लगा था कि ये शायद फिल्म नहीं होगी डॉक्यूमेंट्री टाइप कोई फिल्म होगी. लेकिन मैंने इतनी स्क्रैच फिल्म देखी थी जिस दिन इन्होंने मतलब अभी भी ये काम कर रहे हैं टेक्निकली तो ये मुझे लगता है कि रिलीज़ के दिन तक काम करेंगे क्योंकि फिल्म को छोड़ ही नहीं रहे. फिर सुनील इनके ब्रदर सुनील जी को मिला. लगता है कि इनकी पहली फिल्म में काम खत्म हो गया तो क्या करेंगे. तो जितने मतलब रास्ते होते हैं कि अच्छा इस फिल्म में से जिस दिन मैंने फिल्म देखी उसी दिन मैंने विजय जी को बोला कि हम लोग बोर्ड पे हैं और बाद में सुनील जी के साथ जो भी बिजनेस टर्म्स करनी थी हमने कर ली. मुझे एज ए पेन हमारी कंपनी के बारे में बोलूँगा मैंने जितनी कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और कुदरत से अभी सब कंटेंट ड्रिवन फिल्म चल रही है हमारे बड़े बड़े स्टार की या अभी मसाला फिल्में पिटी है और तो डर भी लगता है क्योंकि इतना बड़ा रिस्की धंधा ही है. लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म इस साल की और कुदरत से ये डेट इन्होंने दिसंबर की निकाली थी शायद दिसंबर की फिल्में सब ऊपर नीचे हो गई तो हमारी फिल्म की किस्मत कोई ना कोई जनवरी की थी. तो इस साल की ये पहली फिल्म आ रही है और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का साल जो है इस फिल्म से चेंज होगा. And before I request the media to ask the questions, Vijay, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा and I will start this with a compliment. आपकी जो पूरी cast है, of course Akshay is there, Anupam sir is there, लेकिन जो बाकी cast है, dude, you've pulled off a coup. Because literally ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं news channel पे देख चुका हूँ पिछले 10 सालों में. But I believe कि to get this cast, 7-8 महीने की मेहनत अलग थी. Yeah, yeah, and Hansal ji really, really worked hard for getting the actors because I kept rejecting the actors. But I don't know how he managed. He went to Delhi, Chandigarh, Bihar, UP. He called the actors from the auditions from, I can't even tell you. So it was the longest auditioning process, I think, for even most of the people around me. Okay. Ladies and gentlemen of the media, I'm sure there are questions galore. So, yes, agar aap please apna haath raise kare, so I'll come to you. There's a gentleman who's right at the corner. Yes, sir. And then, ma'am, we can come to you. Yes. Anupam, if you could just mention your name, hello. Sir. Hello. Hi, my name is Pankaj. I'm from Urban Nation. Anupam ji, my question is to you. Was the idea for you to mimic Dr. Manmohan ji? Because your walk is almost identical as him. So what was the approach, right? Because this can also be a caricaturish kind of a performance because he's already alive and he's still there. So what was the approach like and did you try to mimic him? There is an appreciation in your question somewhere. I would like to believe that it's identical. So, mehnat ki hai, beta. Maine bola na abhi 6-7 mahine mehnat ki hai. फिर क्या है कि मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ अगर उन स्टूडेंट्स को चाहता हूँ मेरी रिस्पेक्ट करें तो आई हैव टू डू इट सच ए मैनर कि भाई लोग कहें कि वाह. सो इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोसेस. इट्स आई टेल यू द प्रोसेस दैट आई वेंट थ्रू. सो दैट सो आई हैव नेवर मेडिटेटेड बिफोर एनी रोल दैट आई हैव डन. आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज ए 28 ईयर बॉय हु प्लेड अ 65 ईयर ओल्ड मैन एंड दैट वॉज सारांश के बारे में बोलते रहे फिर मुझे लगा मैं कोई ऐसी ऐसी फिल्म करूं जिसमें मतलब आई मस्ट ब्रेक दैट होल मोल्ड ऑफ दैट.
it was nightmarish because every time I used to say one line, I used to feel that ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है because every moment and I used to constantly keep watching YouTube footage of Dr. Manmohan Singh. वो आया वो तैयार करते रहते थे मेरे तीन चार मेकअप मैन. आई मस्ट गिव माय फुल क्रेडिट टू द पीपल हु वर्क डिड माय वार्डरोब माय मेकअप एट्सेट्रा. बट टू इंटरनलाइज दिस इज द वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन आई हैव इंटरनलाइज द कैरेक्टर. आई ब्रॉट इट ब्रॉट हिम इन. आई नीडेड टू बिकम लाइक हिम. आई नीडेड टू बिकम हाउ विल ही रिएक्ट. देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमर इन द फिल्म ऑल्सो. देयर इज लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन. पीपल से दैट ओ इज दिस ए साइलेंट फिल्म एट्सेट्रा. दे कीप सेइंग दैट. But there is lot of hard work, dedication, and I was very lucky to have brilliant actors. The casting is spot on, and they were all phenomenal actors. So हमको लगता था कि हम जैसा इन्होंने कहा कि PMO में ही काम कर रहे हैं. और मैं I used to be constantly for 12 hours in character. I will not sort of get out of the character only when I used to take off the pack the pagdi because it was it used to sort of for lunch what said to but history mein naam likhana hai to bahut mehnat karni padti hai aur waise bhi bahut sare log hain wait kar rahe hain ki kab anupam kher is role mein gadbad kare to hum kab us pe nishana saadhe. aisa nahi karne dunga. as an actor I will never let that happen. bahut kam aise mauke milte hain. anupam ji आप खुद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और आपने मनमोहन जी को पोर्ट्रेट किया है, तो इस फिल्म को करने के बाद मनमोहन जी को लेके आपकी सोच पहले क्या थी और इस फिल्म को करने के बाद कितना बदली? मैं चाहूँगा कि मनमोहन जी सोचें कि उनकी पहले सोच मेरे बारे में क्या थी और अब क्या होगी पिक्चर देखने के बाद. आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग उनकी क्या सोच है. समटाइम्स आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द फिल्म दैट यू विल सी बिकॉज a professional actor does not mix his feeling as a person with his profession. I'm not an actor by fluke. I worked very hard. I'm a 4 years acting diploma student. I run an acting school. I've done so much of work. So when you come to work, you shut out every other thing. But yes, of course, once you go through the whole thing, you will discover that in the film. लेकिन आपने कहा ठीक है आप मिक्स नहीं करते, लेकिन एक कश्मीर मसले की भी बात फिल्म में उठाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई कोई गवर्नमेंट इस मसले को हल कर सकती है? कांग्रेस इसमें सोचती थी? नहीं नहीं, अब आपके जो सवालात हैं वो फिल्म से जुड़े हुए नहीं हैं. तो लेट्स आंसर एंड हैव अ क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच इज रिलेटेड टू द फिल्म विद व्हाट यू सॉ बिकॉज इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं. बिकॉज लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम इट. वी वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर 1.5 years. We've really, really worked hard, and I think it's very important to treat this film as a film. That's very important. There was a question coming from that lady also, ma'am. Yes. I'll bring the mic to you. Wait. Sir, Anugya Desai, Gujarat Mitra Daily se. आपकी फिल्म उस वक्त आ रही है जब कांग्रेस ने ऑलरेडी 3 स्टेट में अपनी जीत बना ली है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आपकी फिल्म का इस्तेमाल करेगा सत्ताधारी पक्ष को हराने के लिए? मैं पॉलिटिक्स में होता तो जरूर ऐसा बोलता उनको करने के लिए. बट आई एम एन एक्टर. आई थिंक दे विल डिसाइड. वी डिड नॉट स्टार्ट द फिल्म थिंकिंग कि आगे जाके ऐसा पॉलिटिकल सिनारियो बनने वाला है. इट्स अ पॉलिटिकल फिल्म बेस्ड ऑन ए बुक. वॉट एवर द बुक हैज सेड वी हैव ट्राइड एंड मेक दैट फिल्म. सर, आप और परेश रावल सर दोनों मजे हुए कलाकार हैं, दोनों थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. वो पीएम नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक कर रहे हैं और आप हमारे फॉर्मर जी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री है, आप उनकी भूमिका निभा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑडियंस आप दोनों के बीच कंपेरिजन करेगी? नहीं, आई डोंट थिंक. मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी अच्छी तारीफ होगी, नहीं करेंगे तो बुराई करेंगे. Paresh is a brilliant actor. I'm sure he will do it it very well. I think when jab picture insaan dekhta hai, movie dekhta hai andhere kamre mein, to he does not think ki ye us jagah ka hai, ye us jagah ka, ye theater ka. He relates to the story and I think people will relate to this story. Anupam sir, trailer bahut acha hai jis tarike se. Thank god. Pehli baat to yahi mere ek chacha ji the. मैं सॉरी, ये किस्सा सुनाना बहुत ज़रूरी है. वो जब भी शुरुआत करते थे किसी सेंटेंस की बोलते थे, वो दूसरी बात क्या है ना, तो हम बच्चे सोचते थे पहली बात क्या थी. ये पहली बात होनी चाहिए थी कि ट्रेलर बहुत अच्छा है. थैंक यू मैम.
आप एक्टर भी हैं, सांसद भी हैं, और जिस वक्त ये नहीं, मैं सांसद नहीं हूँ, मेरी बीवी सांसद है। क्या बात कर रहे हो, डरा रहे हो अब तो यार। हमें नहीं पता सर। लेकिन आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, हर जगह पे आप रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो व्यूज है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और ये जो मूवी आ रही है वो बिफोर इलेक्शन आ रही है, और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि राहुल गांधी को पीएम की पोस्ट पर लाने के लिए सोनिया गांधी कितनी मेहनत कर रही है। वो हर जगह पर मनमोहन सिंह को दबाती गई हैं, उनकी सोच को, उनके हर काम को। तो क्या ये इलेक्शन के पहले मूवी आना बीजेपी को सपोर्ट करता है? आई डोंट नो, दिस इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एन इंटरप्रिटेशन। आई टोल्ड यू, जब मैंने फिल्म की थी तो मैंने पहला रिएक्शन मेरा था कि मैं फिल्म नहीं करना चाहता। फिर एक दिन उनकी चाल देख के मुझे लगा कि ये मुझे फिल्म करनी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशंस तो आती रहेंगी, मैं इसका कोई भी जवाब दे दूं, आप उसका अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगी। ऑफकोर्स लोग देशभक्ति की फिल्में 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिलीज़ करते हैं। ये पॉलिटिकल फिल्म है, वी वुड लाइक टू रिलीज़ इट इन द पॉलिटिकल इन द इलेक्शन टाइम, व्हाई नॉट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट। आई थिंक वी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड विद द प्रोडक्ट। वॉट एवर आई मीन से मे नॉट be agreed upon, because people would want to view it as a political film, me supporting, I have always supported my country. If that goes in favor of any particular party, that's a different issue. When people, unfortunately in our country, the moment you speak about the country, people think that you have political ambitions. But I don't have to have political ambition to talk about my country. आजकल ये भी फैशनेबल हो गया है कि आप कंट्री के बारे में बोलते हैं कि अरे यार ये तो भक्त है, या तो बिका हुआ है, या ये फिर इधर इस पार्टी का उस पार्टी का। मैं देश के बारे में बोलने के लिए मुझे पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और मैं बोलना चाहूँगा, डंके की चोट पे बोलना चाहूँगा। अनुपम जी, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, और इसमें भी मनमोहन सिंह बोलते हैं कि क्या मैं बिका हुआ हूँ। जब उनको एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछती है कि आप कहते हैं कि मैं बिका हूँ, आई थिंक ही व्हाट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म इज द डॉक्टर मनमोहन सिंह इज a very big patriotic person. Yes, Anupam ji, this side, Shivangi here. हाँ जी, yes, hi. जैसा कि आपने कहा, देश में जिसे जो मर्जी होता है वो बोल जाता है, या फिर सभी को बात करने की यहाँ पर पूरी आज़ादी है, बट हाल ही में हमने देखा था जैसे नसीरुद्दीन शाह ने बात की और उस पर आपने जवाब दिया। नसीरुद्दीन शाह का जवाब आया है और उन्होंने कहा है, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अनुपम खेर ने जो कहा है उससे आप दोनों के ख्यालात मिलते हैं, तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं, और दूसरा पूछा गया कि वो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, क्या आप उनसे संवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ही डजंट टॉक रीजनेबली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे सीनियर हैं, उनको पूरा हक है, दैट्स हिज इंटरप्रिटेशन, आई लव हिम फॉर हिम। मुझे तो एक ही विजुअल याद है इस शहर में कि हम दोनों, वो मेरे से पहले आए थे और एस्टेब्लिश हो गए थे, पर जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, मेरे को पहली एक ही गाड़ी का नंबर याद है जो पहली गाड़ी थी, क्योंकि उससे पहले मैं ना मेरे पास साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना कुछ था। MAP 5068 महबूब स्टूडियो के पास मेरी गाड़ी क्रॉस हुई और उनकी गाड़ी क्रॉस हुई, और उन्होंने मुझे देख के कहा ये कि तूने भी गाड़ी खरीद ली। आई थिंक आई, फॉर मी दैट मोमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, एक दूसरे को, उनको भी हक है कि नहीं है मेरे विचारों से सहमत होना, बट आई थिंक आई लव हिम एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर एंड माई सीनियर। आई डोंट वॉन्ट टू मेक, इफ़ आई हैव टू से एनी थिंग टू हिम, आई पिक अप द फोन और गो टू हिज हाउस एंड से कि आओ झगड़ा कर लेते हैं या गले लग जाते हैं, बट इसकी बात मैं थ्रू प्रेस इसको नहीं बात करना चाहूँगा। अनुपम जी, दिस इज अक्षय त्यागी फ्रॉम अमर उजाला। पहलाज नानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी CBFC के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के, बताओ सच्ची, बताना, तुमको अपनी मामा की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा, तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा। कैसा लगा? अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, किसी ने आज पहले उनका सवाल ले लें जिन्होंने ट्रेलर देखा है। नहीं क्यों, पर क्यों, पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई पहले ये बताइए, नहीं लेट क्यों हैं आप ट्रेलर में,
नहीं पहले बताओ, नहीं मैं क्यों आपके सवाल है, नहीं आप ट्रेल में लेट आई हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा, हमने हमने 1.5 साल से मेहनत की है, आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूँ, ऐसा कैसे हो, ऐसे नहीं होता ना, मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है। अनुपम जी, अनुपम जी, यस हाँ जी दसो जी, की हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक, आई लाइक इट वेरी मच, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अच्छा, किसी फिल्म के अंदर जब कोई किरदार निभाता है, कैरेक्टर के अंदर आने से पहले और उसके अंदर बाहर निकलने के लिए एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जरा आप बताना चाहेंगे? थैंक यू जी पन्नु साहब, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक व्हाट केम अक्रॉस बिटवीन, दिस इज अ लव स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी बिटवीन संजय बारू एंड मनमोहन सिंह, दिस इज द फिल्म। Once you see the film, this is what will come across. Our relationship, that means Sanjay Baru's and Manmohan Singh Ji's relationship, is the film. Rest of is it that ab Titanic ke against wo love story bani thi ya Pearl Harbor ke against love story bani thi. This is a us prishthbhumi mein 2004 se lekar 2014 ke beech mein Sanjay Baru jo unke media advisor the unki aur Prime Minister ki kahani hai ye. Basically, and I think what we did was, we, as I said, we lived in a secluded place, bahut dur London, England mein. We bonded. I think main Akshay ke sath bahut do to film mein ki hain, but jo pyar is puri film mein inke prati mere man mein jaga hai, wo agar koi aur film karte to shayad nahi jagta. The mutual understanding, the mutual love, the relationship that we three will share for the rest of our lives, whatever the fate of our careers or our life will be, I think that will, the credit for that goes to this film. It was a difficult film, and jaise jaise film ki nazdeek aati jayegi pura process bataunga. Maine to record bhi kiya sara, kaise taiyari ki hai, first step kya thi, pehle aawaz mein kaise baat hoti thi, lekin phir mujhe aisa laga जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है वो हमको यहाँ करनी चाहिए या नहीं, आई डोंट थिंक इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर पॉलिटिकली बीइंग आस्क्ड, आई थिंक व्हाट वी शुड टॉक अबाउट इज द ब्रिलियंस एंड द हार्ड वर्क दैट वी हैव गॉन इनटू व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो भारती जी आ गई हैं, हाँ जी, हियर आई एम अक्षय, दिस इज फॉर यू, डिड आई नो यू वर टोल्ड नॉट टू लुक लाइक संजय बारू, बट फॉर दिस रोमांटिक फिल्म डिड यू मीट संजय बारू? आई हैवंट मेट हिम एज येट, विजय डिडंट वांट मी टू मीट हिम एट ऑल, ही वाज वेरी क्लियर ऑन दैट, ही हैड हिज ओन वेरी स्पेसिफिक विजन ऑफ व्हाट ही वांटेड मी टू डू, एंड यू विल सी दैट इन द फिल्म। हैव यू रेड द बुक? आई हैव रेड द बुक ट्वाइस। एंड अनुपम फॉर यू, how you went straight from here to New Amsterdam, what was it like, the switch? Oh, I went through the whole roller coaster of it. I went to, I think one of the reason that I was very focused, that I had done the pilot of New Amsterdam and then I went to London, so I was going through that culture and then went back to Mrs. Wilson, and then this is something, this is a international film according to me, Accidental Prime Minister. It can be compared to any film anywhere in the world and it will stand on the top. Unfortunately, in our country, we look at it from the prism of political this thing, etc., etc. When we make Lincoln, we don't ask the main actor ki tu kaun si party ka, conservative party ka hai ya tu democratic party ka hai ya tu kis party ka hai, ya tumne jab role karte samay, jab Lincoln mein ya kisi aur film mein kisi ne role kiya, we don't ask this question. We say, wow, what a brilliant performance. We don't look at it. So I don't think we should look at it from a point of view. Let's respect the art. And let's leave the interpretation to the audience. Anupam, that's very important. Gadda sahab, idhar. Anupam ji, samne. Gadda sahab, sabse pehli baat to ye hai. Say it. I think what he's saying is, let's leave the politics to the politicians. Yeah, I think we should treat it ourselves as an actors. हाँ जी, Gadda sahab, सबसे पहली बात तो ये कि trailer हमें बड़ा अच्छा लगा. Thank you. इधर आपके सामने, right side में. हाँ जी, thank you. Trailer बड़ा अच्छा बनाया आपने, film अच्छी बनाई है. इस फिल्म से आपके टू व्हाट एक्सटेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? सेकेंडली, अनुपम खेर से साहब का रिएक्शन क्या था जब इनको आपने पहली बार कन्विंस किया रोल के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के खास? इसका आंसर मुझे लगता है विजय जी को देना चाहिए।
What, sorry, I didn't get the question. Expectation मतलब कितना माल बनाएगी? नहीं हमने तो बना लिया, don't worry. हम before release हमारे पैसे यहाँ बना पर लेते. दो लोग एक मयंक ये बैठे हैं, इसके राइटर ये, हालांकि इनको मंच पर बैठने का बोला नहीं गया है मगर इनका बहुत बड़ा हाथ है इस फिल्म को. मयंक एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल दिखाओ प्लीज. इन्होंने कमाल का काम किया, कमाल का नाम लिखा है. हमारे को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने कमाल का, आप कहेंगे ये भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं मगर ये एक्सपेक्टेशन है जी, हमें लगता है बहुत बड़ी हिट होगी ये फिल्म. और कुछ सर? एक सवाल सर, सामने किधर? यस फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता फ्रॉम रिपब्लिक, बहुत अच्छा ट्रेलर था सर, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिख रहा है आप सभी का. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप इसके लिए प्रेप कर रहे थे, कौन सी वो चीज़ थी जो सबसे टफ थी थ्रू आउट द जर्नी जो आपको लगी? अनुपम जी आपसे. आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ बेसिकली अ शाय पर्सन. ही इज नॉट अ ट्रेंड पॉलिटिशियन. ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट ब्रॉट एज द रिजर्व फॉर द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड देन द फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड दैट्स हाउ ही वॉज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. रिसेंटली इन वन ऑफ द एट हिज बुक रिलीज ही सेड दैट ही वॉज नॉट ओनली एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर. सो आई एम अ वेरी आई लाइक टू परफॉर्म फिजिकली, मीन्स जेस्चर इस्तेमाल करते. तो मैं किरण से बात कर रहा था, तो किरण चंडीगढ़ में थी, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, तो मुझे तो कहती है, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट एक्ट आउट लाइक मनमोहन सिंह, बी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह. आई थिंक दैट वॉज द बी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो बोलना आसान है, उसमें कोऑर्डिनेशन है एक्टर की. इफ़ यू नोटिस हिम, his hands are in a certain manner, like somebody, the first question that he had, it's very easy to become the character as a caricature. So I was always constantly running on, walking on a razor's edge, and we had a very dynamic director who's a very good criticizer. Inko kya acha lagta hai wo inko nazar aaye na aaye, magar kya acha nahi lagta wo sabko nazar aata hai. So he was very very difficult to please. And for a young man like him to sort of have this kind of a quality is phenomenal. But maine thaan liya tha ki is role ko to main toot padne wala hu. And as I said, maine kabhi meditation ki nahi. I was in a silent zone, not matlab not that way silent zone, but I went inside and that's why it was difficult. Saath hi ek question aur tha aap dono se. Pehla ki aapne jab ye पूरी फिल्म की है और ये दोनों दो लैंग्वेजेस में बनी है फिल्म. अच्छा, इंग्लिश में भी बनी है और हिंदी में भी. तो आफ्टर वी यूज्ड टू डू द हिंदी वर्जन वन शॉट एंड देन वी विल हैव टू डू द इंग्लिश वर्जन. और समहाउ द इक्वेशन समटाइम यूज्ड टू चेंज. फिर अंग्रेजी में पहला शॉट देते थे, फिर हिंदी में शॉट देते थे. तो it was a very interesting process what we followed and every character is two language aur dub hui hai aur two languages mein aur dub hui hai, telugu and tamil mein, kyunki wahan politics ki picture bahut chalti hai. ye inka point of view hai, inhone apna point of view clear kar liya hai. Jo subject aapne chuna hai wo kahin na kahin thoda sa controversial hai, matlab not Mr. Manmohan Singh but his journey. Yeah, of course it is, and but those were the controversial era, let's not run away yes, from it. Yes, this film, according to me, whatever the fate of the film will be, whether it does well or not does well, it will do very well sir. Yeah. Yeah. It will do very well. Well kar chuki hai, but this film is a game changer in Indian political cinema film making. This will be a, we have been able to take the names of the people. Yes. We have gone first time into the PMO. You have seen movies for White House inside, etc. This is the first time you don't have fake aliases, fakenessness. You don't have. You yeah. have real people, real offices, real etiquettes, real kind of a thing. There is everything. The art department has done a great job. The costume department has done a great job. So let's be proud of this film, all of us.
Definitely. All right. My question was ki post the release kahin na kahin kafi sare virodh ya fir controversies arise ho sakti hain un cheezon ke liye aap kaise prepare kar rahe ho sakta hai you know congress virodh kare is cheez ko lekar ke kaise aapne prep kiya hamare do officers yahan baithe hue hain hum pehle se lekar aaye hain nahi I don't think we will worry about that thank you sir aap aaye officers baithe hain nahi I don't You see, let's not anticipate it. That's why I said that people who are sitting here have made a film. And we also know that what you're asking is a very genuine question. But bahut kuch ho raha hai desh mein, ye bhi ho jayega. Picture achhi hai. Someone had to start, na? We never had good political films. Maybe it's 2018, we started. Maybe next 5 years, 2 years, someone would have started. So we are the first one, that's it. Hi. Ma'am. If you could just use the mic. And this will be the last question? Hi. No? Okay. Rahul here from the film charcha. Last question. Can I have some water, please? Hale, mera sawal... Main kal unko dikhane gaya tha. Because... Khol ke do na, beta. My mother is an internet sensation, automatically. But so, उनका discussion चल रहा होगा मेरे भाई ने दिखाया होगा उनको poster. तो मैंने उनको दिखाया तो कहती है फिर तो कश्मीरी में उन्होंने कहा whatever she said. पंडित जी क्या बोला था कश्मीरी में मारा था बलाई लगे something. So which is oh my god. No she did not. And I think that was the best compliment I could have got. That my mother did not know that it was me or Dr. Manmohan Singh. But that is, I think a lot of people have come together to bring that kind of a change. I think our makeup department has done a brilliant job with everybody. With everybody. Whether it was playing Atal Ji, whether it was Advani Ji, whether it was Sonia Gandhi, Rahul, Priyanka, everybody, they've done a great job. My mother's reaction was, ki ki kya nahi nahi tu nahi hai tu hi hai phir wo aapne dekha video so I thought that was a very good fact that it's a realistically made film where there is no different moonche inhone mujhe katwa li thi meri usme but it was wonderful while getting ready I was also yeah, getting you didn't want to cut that yeah because I had a continuity of that American film yes idhar se kisi ne sawal pucha tha idhar hi Rahul here the film charcha मेरा सवाल अक्षय सर से सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है सबने बेहतरीन काम किया है सर मेरा सवाल ये था सर आपने काफ़ी फिल्में काफ़ी एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ भी किया है और डेब्यूटेंट हैं तो क्या कुछ अलग फील करते हैं आप क्या कुछ अलग लगता है नए डायरेक्टर के साथ काम करने में सर विजय की पहली पिक्चर है लेकिन विजय नया डायरेक्टर नहीं है बहुत ही बहुत समझदार लड़का है और बहुत सुलझा हुआ आदमी है क्योंकि अपनी पहली पिक्चर में ही ये सब्जेक्ट को लेके एक एंटरटेनिंग और फिर बैलेंस्ड फिल्म टू मेक अ वेरी बैलेंस्ड फिल्म इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू डूइंग फिल्म ऑन पॉलिटिक्स सो ही इज़ हैंडल इट एक्सट्रीमली मच्योरली एंड आई थिंक व्हेन पीपल कम आउट ऑफ द थिएटर आफ्टर सीइंग द फिल्म देल यू विल नॉट वॉच दिस फिल्म like that you'll watch it with a smile on your face he's made that kind of film so when people come out of the film they'll feel it's a very fair film it's not a biased film so to make that film is very difficult and he's pulled it off so I'm very proud of him okay anupam ji hello sir sir mera naam kishan hai sir aur mera sawal aap se hai ki jis tarah se aapne prime minister ka role nibhaya hai तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए जॉब्स डेवलपमेंट एजुकेशन वेमेन्स सेफ्टी या गाय मॉब लिंचिंग मंदिर मस्जिद किस में उन्हें मुझसे पूछिए नौ रस में कौन सी भंगिमाएं मुझे दिखानी चाहिए मैं आपको बता सकता हूं मुझे क्या पता भैया अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया आपको किस में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस रिलैक्स बेटा तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी 50वीं है ठीक है डर मत पूछने दो ना अपना अपना तरीका वो अपना एंगल ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट खबर क्यों नहीं मिल रही है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं
कि फिर बोले अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब. सर YouTube कैप्शन, मेरे पास बेटा कोई करारा जवाब नहीं है. जो जो अपनी अपनी कुर्सी पर हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए. मैं मेरे में एक बड़ा बच्चा शेर है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़कू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू. आदमी सीखता है ना धीरे धीरे, जब आदमी बहुत बोलता है फिर दिखता बोलता है कि चुप रहो यार, जो चल रहा है चलने दो, अपना काम करो, एक्टिंग करो बाहर जाके विदेश में. मज़ा आएगा. इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. मैं विजय के बारे में बोलना चाह रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था और ये मैसेज कर रहा था कुछ. आई गॉट वेरी इरिटेटेड. आई सेड मैसेज किसको कर रहे हो इस समय, ट्रेलर चल रहा है. कहते नहीं, वो वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करवा रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ पीछे. मैंने कहा अब हमारे हाथ से फिल्म निकल चुकी है, इसका भविष्य जो है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग दैट पोलिटिकल फिल्म आर बींग मेड, बायोपिक्स आर बींग मेड, एक्टर्स आर गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस. वरना जैसा इन्होंने कहा कि ये अब एक्टर का ज़माना है. स्टार्स तो हैं ही हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे और लंबा काम दे, मगर दिस इज इफ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डिलीवर, दैट्स मच इज इम्पॉर्टेंट. आज की सभा यहीं समाप्त करें. हाँ जी, दूर दूर तक नहीं, मेरा अगला 3 साल तक तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वो न्यू एम्स्टरडेम के साथ है, तो इसलिए फिक्र मत करिए आप. सर, देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक फ्रॉम द लेडी देयर. यस Yes, sir, I'm Vaishnavi. I'm from Times Now. Yes, ma'am. Sir, of course, the trailer is very interesting and congratulations to the team. Thank you. My question, sir, is yesterday there was an official trailer release of the film Thackeray. Mm-hmm. And the censor board, in fact, has asked them to cut few scenes, and that includes the Babri Masjid demolition. And somewhere, you know, the Shiv Sena is not ready to do that, and it says that, you know, come what may, we are not going to cut it off because it's a biopic. Being part of the CBFC, what do you think it is justified to defy these orders by the CBFC? And when it comes to films like a biopic, do you think that there should be any cuts either? I cannot answer that question on behalf of anybody, but I think we have a very qualified chairperson of the censor board, Prasoon Joshi ji. I'm sure he will know what to do about it. We went through the whole process of whatever we, in fact, that's why we were not able to announce the date of the release. We have announced it only till everything got thing. But I think this is not the platform for me to answer that question. Thank you. Okay, dosto. So, abhi ek baar dobara dekhenge till. Wo jo madam aayi hai, ye keval aapke liye ho raha hai. Arey Sunny kahan ho? Sunny. Photo. Zero. Shahrukh's trailer launch. With Shahrukh, I made Shahrukh dance on stage. It was a riot, and we hosted a fan stage where Shahrukh and I had to take the stage and we had to do things together. So I made him cut a birthday cake, I made him dance, I got fans. This is a very staid entertainment. Because that really is a managing and controlling everything. And she's just a PR chick, which is sad. Because I'm going to go tell her it was absolutely my displeasure working with you, and I hope I don't have to do an event with you.
8 number. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, I just have to remind you that we've spoken so much about the film. The film releases on the 11th of January, so do make sure that you go and watch it in the theaters.